है जिसका नाम है टाटा स्टील PSL। पहले ये कंपनी भूषण स्टील के नाम से जानी जाती थी और टाटा स्टील ने इसको टेक ओवर किया था कुछ दो साल पहले। और मुझे लगता है कि जिन स्तरों पर ये आज ट्रेड करता है करीब 85 रुपए पे, वहाँ से एक बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है और ये डबल भी हो सकता है। कुछ एक बुनियादी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 9500 करोड़ का है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब करीब 12% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 12.6% का है। और अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखें तो 192 रुपए की बुक वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ये अपने बुक वैल्यू से आधी रेट पे अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रेशियो होती है, फैक्टर होता है जो हम फंडामेंटली किसी भी स्टॉक को कंपनी को स्टडी करते हैं, वो 1.6 की है, यानी कि बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो आज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा टाटा स्टील PSL जो करीब करीब 85 रुपए पे है। और इसका जो जो टारगेट है, पहला टारगेट इसका 150 रुपया है और ये 200 रुपए तक भी जा सकता है।